हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के शेयर में अगर देखेंगे तो आज तकरीबन 1% के गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। मॉर्निंग सेशन में जरूर स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला था, बट उसके बाद ऊपर के लेवल से कंटिन्यूसली हम लोगों को इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला और ऑलमोस्ट स्टॉक अपने डे लो पे ही क्लोज हुआ है। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोगों ने क्लियरली देखा था जो मंथली बेसिस पे स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक 125 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और 125 के लेवल के ऊपर स्टॉक 2019 के यहाँ पे अगर अप्रैल मंथ के बाद फर्स्ट टाइम स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो 4 ईयर के बाद स्टॉक इस लेवल को क्रॉस किया है, तो एक अच्छा तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे क्लियरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक नीचे से मोमेंटम कर रहा था, 115 के लेवल से स्टॉक मोमेंटम कर रहा था। ऑलमोस्ट स्टॉक ने हाई लगाया 140.20 रुपीज़ का। उसके बाद प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर चुके हैं तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन आ रहा है। एक जाइंट कैंडल के अंदर 2 इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे अगर 1 से 2 दिन और स्टॉक हॉल्ट कर जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है 140 के लेवल के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक में वापस से हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकता है। इससे पहले यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टॉक में एक तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट किया और वापस से ब्रेकआउट जब दिया तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। सेम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हॉल्ट कर जाता है 1 से 2 दिन और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है, अगर आप बाई साइड के लिए एंट्री लिए हैं तो इस स्टॉक में कंटिन्यूसली आप पोजिशन होल्ड करके रख सकते हैं। डाउन साइड से अगर बात करेंगे तो डाउन साइड से यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो स्टॉक अगर रिट्रेसपेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और उसके बाद वापस से इस ट्रेंड लाइन से आपको ऊपर की साइड निकलता है, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो क्लियरली जो है स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में भी बुलिश है और डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक में एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।